नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कीजिएगा आज चैनल को सब्सक्राइब। खुशी का दिन अतिथि शिक्षकों के लिए। दोस्तों, कई दिनों से कर रहे थे कमेंट्स, सर अब तो आप वीडियो तब बनाइएगा जब आदेश आए। और मैंने भी सोच लिया था दोस्तों, क्योंकि अब मेरी वीडियो कोई भी कल से कोई अपलोड नहीं हुई थी, और आज मुझे पक्के में था कि आज अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश। और मैंने आप लोगों को समय दिया था 15 जुलाई से पहले पहले अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश आ जाएगा दोस्तों। लेकिन आज 13 जुलाई और अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। क्या पॉलिसी है, क्या व्यवस्था रहेगी, पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए मिली है प्राथमिकता दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको आदेश को बताता हूँ। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 462021, दूरभाषा नंबर है 9175258360, ईमेल dpi@atithi@gmail.com, यानी दोस्तों atithi@gmail.com, भोपाल दिनांक 13/7/2022 और क्रमांक IT/ATI/2022/23/320, ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। और समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई बटे हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। दोस्तों, विषय है शिक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। राज्य शासन का पत्र क्रमांक 44/15/2010/20 दो दिनांक 9/11/2016 के अकॉर्डिंग है। दूसरा बिंदु है राज्य शासन का पत्र क्रमांक 44/13/2017/20 दो दिनांक 7/7/2018 के अकॉर्डिंग है। तीसरा बिंदु है संचनालय का पत्र क्रमांक राशि माध्यमिक शिक्षा अतिथि शिक्षक 2019-2013 दिनांक 4/7/2019 के अकॉर्डिंग। राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों के विरुद्ध SMC/SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु निम्न अनुसार कार्रवाई करें। रिक्तियों का अपडेशन होगा। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है, यानी इसमें इन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से कारण पर अतिथि शिक्षक हम रख सकते हैं। 1.1 दिया है, नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण। अगर मैंने बताया था कोई भी टीचर ये BEd और DEd करने के लिए जाता है तो अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। दूसरा है 1.2, यानी 1.2 नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश बटे प्रशिक्षण इत्यादि के कारण अगर कोई टीचर 15 दिन से ज़्यादा के लिए अगर कहीं पर जाता है तो वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक रख लिया जाता है, यानी रख सकते हैं। 1.3 है शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालय की रिक्ति को संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होंगी। यानी जिन स्कूलों पर पोर्टल पर रिक्त पद नहीं दिख रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उस पर मैं एक और वीडियो अभी बना दूंगा रात में। 1.4 नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया। एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक रिक्ति दर्ज की जा सकेगी। ये सब हाथ का काम है। 1.5 है नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश बटे प्रशिक्षण इत्यादि के कारण निर्धारित अवधि के लिए रिक्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। शॉर्ट टर्म वैकेंसी नियमित शिक्षक के अवकाश बटे प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक के लिए रिक्ति प्रदर्शित करने हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिसमें नियमित शिक्षक के प्रशिक्षण बटे अवकाश से वापस आने की तिथि भी अंकित करना होगी। नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। एक एप्लीकेशन लिखना होगी। अगर कोई टीचर 1 महीने या 15 दिन के लिए जाता है उसमें डेट शुरू की डेट जाने की और जो अंतिम तिथि है वो लिखना होगी। इसके बाद में रिक्ति होगी, वहाँ पर भी अतिथि शिक्षक रखा जाता है। ये जो पॉलिसी है अतिथि शिक्षक कौन कौन सी कंडीशन पर रखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। 1.6 अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध भी अंकित किया जाए रिक्त वाले पद एवं विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं।
कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से के विषय के खाली हैं दोस्तों। 1.7 रिक्तियों को दर्ज बटे अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक बटे 22 दिनांक 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाए। ये पुरानी डेट दी हुई 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाए। दूसरा है विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों आपके लिए। पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता वाली बात आ रही थी और इसमें देखिएगा आप 2.1 में, वे विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय की निम्न अनुसार कांडिका 27(3) का पालन किया जाए, यानी 3 का पालन किया जाए। इसमें आप देख सकते हैं द वैकेंसी ऑफ द एनी द गेस्ट टीचर इंजर्ड इन द परसेंस टू द सर्कुलर डेट 7/7/2018 शैल बी फिलेड अप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट स्कूल वाइज ऑलरेडी परफेक्ट। दोस्तों ये आदेश था पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए प्राथमिकता वाला कोर्ट का, तो इसमें पालन करने के लिए कहा गया है। 2.2 कांडिका 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संग्रहित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारिणी बिंदु क्रमांक 5 पर है। दोस्तों बहुत खुशखबरी आप लोगों के लिए, पुराने अतिथि शिक्षकों को मिल गई है प्राथमिकता। और अगर चैनल पर नए हो तो यार इस पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कांडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर हो सकती है दिक्कत जिन स्कूलों का रिजल्ट बना है खराब। और मेरी वीडियो जितनी भी चैनल पे है एक एक वीडियो सही है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन अतिथि शिक्षकों के लिए दिक्कत हो सकती है, ये आप आदेश में लाइन देख सकते हैं। तीसरा बिंदु है विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक, यानी जिन स्कूलों में पुराने अतिथि शिक्षकों का पैनल नहीं है, विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति, GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित होगा कि इस पद बटे विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक इन विद्यालयों में बिंदु क्रमांक 4 में दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रित करेंगे। रिक्तियों का अपडेशन होगा 15/7/2022 से प्रारंभ। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है रिक्त पद हैं, SMC/SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में ही 20/7/2022 निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 21/7/2022 और अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों के प्रदर्शन 20/7/2022 को होगा। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो दोस्तों 21/23/2022 तक और SMDC की बैठक होगी 25/7/2022 में। अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग 26/7/2022 यानी जुलाई का महीना पूरा इन्होंने निकाल दिया है। CM राइस विद्यालय में विषय शिक्षकों के रिक्त पद हेतु उक्त प्रक्रिया के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण किया जाए। विद्यालय में प्रयोगशाला खेलकूद तथा अन्य सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे और जो खेलकूद तथा अकादमिक और बाकी पद म्यूजिक वाले हैं खेलकूद वाले हैं उनके लिए अलग से सृजित होंगे पद और अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व में यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय का पैनल में स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो रहा है तो संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख से संग्रहित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल 13/7/2022 विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग संचालक राज शिक्षा केंद्र भोपाल प्रबंधक संचालक MPSDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल कलेक्टर समस्त जिले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले आयुक्त लोक शिक्षण। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश, आप लोगों की जो लगन लगी हुई थी दोस्तों, वो पूर्ण हुई। और मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।